गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कल मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें एग्जांपल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो पेज 28 खोलो, 28 पेज पर इन्होंने कुछ ऐसे फ्लावर्स के एग्जांपल्स दिए थे जो कि क्लिस्टोगैमस होते हैं और कुछ होते हैं चेरिमोगैमस। इसमें तीन फैमिलीज के नाम दिए थे, एक तो था वायोला, एक ऑक्सेलिस और एक पोमेलिना। इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कल हमने पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स, यानी कि पॉलिनेशन को कराता कौन है। देखो दो टाइप के होते हैं एजेंट्स, एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करा रहा है, एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग फैक्टर करा रहा है। पहले देखते हैं एबायोटिक, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एबायोटिक तरीके से पॉलिनेशन होता है। और एबायोटिक मेनली दो मेथड्स के होते हैं, या तो होगा वेंट से या फिर होगा वाटर से। ठीक है, वाटर वेंट से होने वाला जो पॉलिनेशन है इसको हम कहते हैं एनीमोफिली। एनीमो की स्पेलिंग है ANEMOPHILY और वाटर को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। इसको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर विंड वाला होता है, कम ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर होता है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी जो एबंडेंस है, यानी कि वो कितने ज़्यादा पाए जाते हैं, वो इस बात से कंस्ट्रेंट हो जाता है कि कितने एरिया में वाटर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर वाटर चाहिए तो ज़्यादातर प्लांट्स कहाँ उगते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में। एक्वेटिक हैबिटाट में उगने वाले वाटर, फ्लावरिंग वाटर कम है, फ्लावरिंग प्लांट्स कम है, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर हर जगह इतना एबंडेंटली अवेलेबल नहीं है कि वो पॉलिनेशन करा सके, इसीलिए इस तरह के प्लांट्स भी कम होते हैं। जैसा कि आगे हम एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे, तो ज़्यादातर प्लांट्स पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में, और वहाँ पर पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाने का काम सिर्फ वेंट कर सकती है, ठीक है। ये तो इस बात का जवाब हुआ कि ज़्यादातर वेंट पॉलिनेटेड कैसे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो पेज 29 पर इन्होंने पॉलिनेशन बाय वेंट के बारे में बताया कि वेंट पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं। जिन फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन वेंट से होना होगा उनके पॉलन ग्रेन होंगे लाइट यानी कि हल्के। फैदरी का मतलब है कि उन पर इस तरह के स्ट्रक्चर लगे होंगे जिनकी वजह से वो एयर करंट यानी कि हवा के साथ उड़ते हुए चले जाएं और स्टिग्मा के ऊपर सेटल हो जाएं। इसके अलावा उनकी जो पिस्टिल होगी, यानी कि जिसको हम स्टिग्मा और स्टाइल कहते हैं, वो इस तरह की होगी, खूब लंबी होगी, है ना, एक ही इन्फ्लोरेसेंस से बहुत सारी बाहर निकली हुई होंगी, जिनका काम होगा एयर में घूम रहे पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना, ताकि वो क्या कर सकें, फर्टिलाइजेशन कर सकें। एक और बात यह है कि इस केस में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, ताकि देखो एग की संख्या बहुत कम होती है, एक ही होती है ज़्यादातर केस में, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो तो एक चांस फेनोमेनन है कि मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसीलिए पोलन ग्रेन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन इनॉर्मस नंबर, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी संख्या में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, क्योंकि सैकड़ों या हजारों में से कोई एक ही सक्सेसफुल होता है स्टिग्मा तक पहुँच पाने में, बिल्कुल चांस की बात है ना। अब पिस्टिल में क्या होता है, एक ओव्यूल होते हैं, एक ओव्यूल जिसके अंदर प्रेजेंट है एक है, और ऐसे बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं ओवरीज में, और सारी ओवरीज प्रेजेंट होती हैं कैसे, एक साथ, तो उसको नाम देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। फिगर 2.10 देखो, यहाँ पर इन्होंने एक ऐसे फ्लावर का एग्जांपल दिया है, सॉरी एक इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल दिया है
जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ कर देंगे, ठीक है। और ये तो मैं ये लाइंस बना रहा हूँ, ये असल में क्या है, ये स्टिग्मा एंड स्टाइल है। और जिस इनफ्लोरेसेंस का ये एग्जांपल है उसका नाम है कॉर्न, यानी कि मकई। मकई में हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर से बाल जैसी संरचनाएं बहुत सारी निकली होती है, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है टेसल। और ये टेसल असल में और कुछ नहीं है, ये स्टिग्मा एंड स्टाइल है, सिर्फ इसलिए कि वो कैप्चर कर सकें एयर में मौजूद पॉलन ग्रेन्स को, ताकि उनके द्वारा वो क्या कर सकें, उन पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करें, उनसे पॉलन ट्यूब निकले और फिर क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो सके। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो पेज 29 फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें पहले पैराग्राफ के एंड में देखो क्या लिखा है, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रासेस कैसी होती है, मोनोकॉट है ना, तो मोनोकॉट के अंदर ये ज्यादा प्रेविलेंट देखने में आता है। इसके बाद अच्छा ये बताओ ग्रासेस कौन सी फैमिली का ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्रासेस होते हैं एक फैमिली जिसका नाम है पोएसी, POACEAE, पोएसी, यह पोएसी। पोएसी का दूसरा नाम ग्रैमिनी है, GRAMINEAE, ग्रैमिनी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, विंड पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के बाद है नेक्स्ट वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन के देखो पहली लाइन में लिखा है कि ये सिर्फ 30 जेनेरा में पाए जाते हैं, यानी कि कम स्पीशीज में मिलेंगे, ज्यादातर मोनोकॉट्स में मिलेंगे। तो दो एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं, ये सभी को याद रखें, जैसे कि हाइड्रेला, वेलिस्टेरिया, ज़ूस्टेरा, इन सब के एग्जाम्पल याद रखें, हाइड्रेला, वेलिस्टेरिया। ये हाइड्रेला और वेलिस्नेरिया ये दोनों फ्रेश वाटर है, ठीक है। और मैराइन वाटर के यानी कि सॉल्टी वाटर के जिनको सी ग्रासेस कहते हैं उसके एग्जांपल क्या दिए, ज़ूस्टेरा। और वाटर से जिनके अंदर पॉलिनेटेड होता है उसके कुछ अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, करो ये वाटर का लेवल है और यहाँ पर एक फीमेल फ्लावर है और यहाँ पर मौजूद है एक मेल फ्लावर, और वाटर के करंट की यानी कि पानी के मूव करने की जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे ये तैरते हुए जाएंगे और इसके स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो सकते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी कि पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स, उनके अंदर पॉलन ग्रेन इस तरह के होने चाहिए कि अगर वो बहते जा रहे हैं तो वो स्टिग्मा के ऊपर टकरा कर रुक जाएं, ठीक है, नहीं तो उनके वहाँ टकराने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो कैसे होते हैं, वो लंबे थ्रेड लाइक, रिबन लाइक स्टिकी होते हैं, ताकि वो इधर से छूटे और इधर आकर उलझ गए, है ना। उलझने के बाद वो क्या होता है, उनका फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये तो एक मैकेनिज्म हुआ, अब दूसरी बात देखो, सपोज करो एक फीमेल फ्लावर है वो सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है, और ये एक मेल फ्लावर है ये सरफेस के ऊपर आ गया। अब इसमें क्या होगा कि ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड या विंड पॉलिनेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एयर के कॉन्टेक्ट में है, इंसेक्ट आएगा यहाँ बैठेगा, इसके बाद अगली बार वो यहाँ बैठेगा, ठीक है, पॉलिनेशन मूव करते हुए। और एयर तो ऊपर है ही, तो विंड के करंट के साथ भी ये पॉसिबल है। देखो अब देखो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है, जो पैराग्राफ है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू 30 जेनेरा। तो इसमें इन्होंने ये लिखा है कि लोअर प्लांट ग्रुप्स जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ज्यादा सक्सेसफुल है,
क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजेशन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पिछली क्लास में तुमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन है ऐसे लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में वो डिपेंडेंट होता है वाटर के ऊपर, इसलिए उनकी सक्सेस रेट भी कम है, यानी कि वो कम जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे पेज 29 जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें, वेलिसनेरिया वाला जो एग्जांपल है इसके पैराग्राफ के सबसे नीचे वाली लाइन में देखो, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये वाली चीज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम में वो हमसे पूछ लेते हैं कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स में क्या विशेषता होनी चाहिए, वो वाटर प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि अगर वो गीले हो जाएंगे है ना, यानी वेट हो जाएंगे तो वो तैर नहीं पाएंगे इधर से इधर। ठीक है, उसके लिए उन्हें क्या होना पड़ेगा, वाटर प्रूफ होना पड़ेगा। वाटर प्रूफिंग के लिए उनके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे कहते हैं म्यूसिलेजिनस कोटिंग। म्यूसिलेज एक ऐसा वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ कोटिंग देता है। ये कुछ कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि क्यूटिन नाम की लेयर पाई जाती है लीफ कैपेटल में। ठीक है, तो म्यूसिलेज पाया जाता है उनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं आगे पेज 30। अब यहाँ पर उन्होंने दिया है ऐसे फ्लावर्स के बारे में जिनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है, यानी कि अब हम किसके ऊपर आ गए, अब हम बायोटिक पॉलिनेटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करने शुरू वाले हैं। देखो बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से होते हैं, पहली तो बात यह है कि जब भी बायोटिक फैक्टर होगा तो उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे अगर इंसेक्ट पॉलिनेट कर, जैसा कि ज़्यादातर प्लांट्स के केस में होता है, इंसेक्ट ही सबसे बड़े पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, उसको नाम दिया जाता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली अगर बर्ड्स करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अगर करे तो उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अगर कोई और बड़ा ऑर्गेनिज्म करे तो उसे क्या कहते हैं, जूफिली। जैसे किसी मैमल ने किया तो उसे जूफिली कहेंगे। ठीक है, एनिमल्स के लिए एनिमोफिली नहीं करते, एनिमल एनिमोफिली करते हैं विंड पॉलिनेशन के लिए। एनिमल्स के लिए इनमें से कोई एक टर्म यूज करते हैं। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं आगे। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स को कैसा होना चाहिए, उनके पॉलन ग्रेन्स को कैसा होना चाहिए। देखो जिस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है उसी हिसाब से पॉलन ग्रेन्स को होना चाहिए। अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन्स को हल्का होना चाहिए और फैदरी होना चाहिए ताकि वो हवा में उड़ते हुए स्टिग्मा तक पहुँच जाएँ। अगर वाटर पॉलिनेशन हो रहा है तो उनको वाटर प्रूफ होना चाहिए और उनके अंदर बॉयंसी होनी चाहिए, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बॉयंसी पड़ी होगी, यानी कि वो पानी में डूबने नहीं चाहिए। अच्छा, अगर वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं तो उन्हें कैसा होना चाहिए। अगर वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर के पास कुछ देने के लिए होना चाहिए बदले में, जैसे कि नेक्टर या पॉलन ग्रेन, कि तुम आके हमारा पॉलिनेशन करो, हमारे पॉलन ग्रेन ले जाओ और बदले में हम तुम्हें ये दे। बदले में देने वाली चीज क्या होती है, नेक्टर होती है और खुद पॉलन ग्रेन भी होती है। तो ऐसी चीजें जो कि फ्लावर बदले में पॉलिनेटर्स को देता है उसे हम कहते हैं रिवार्ड्स, यानी कि इनाम। इन्हीं के लालच में वो आते हैं और अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स को फ्लावर्स का क्या विशेषता होती है, दे आर ब्राइटली कलर्ड। ठीक है, और इसके अलावा उनके अंदर होती है फ्रेग्रेंस,
उनका कलर बहुत ही आकर्षक और चमकीला होता है। तुमने देखा ही होगा कि जितने भी लैंड प्लांट्स होते हैं यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सबके फ्लावर्स कलर्ड होते हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और उनमें एक फ्रेग्रेंस होती है। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है, एक खुशबू होती है, सॉरी एक स्मेल होती है। अगर इंसेक्ट्स को या और मोथ्स को, जैसे बीटल्स और मोथ्स को अट्रैक्ट करना हो तो हम उसे ओडर नाम देते हैं, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है बीटल्स और मोथ्स वो बुरी स्मेल से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। और ये खुशबूदार फ्लावर्स किन को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हनी बीज को, जैसे कि बटरफ्लाइज को, जो कि पॉलिनेशन करती हैं। ठीक है, अब तुमने देखा हो कि रात के समय जो फ्लावर खिलते हैं उनका कलर अक्सर वाइट होता है, क्योंकि रात को जो पॉलिनेटर्स आते हैं वो कलर नहीं देख सकते अंधेरे की वजह से, लेकिन वो बहुत ही तेज़ फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, ताकि अंधेरे में भी उनकी खुशबू को पॉलिनेटर्स क्या कर सकें, पहचान सकें। इसी तरह से वाटर और विंड पॉलिनेशन में भी क्या होता है कि ब्राइटली कलर्ड या फिर फ्रेग्रेंस वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक्वेटिक मीडियम में इन चीज़ों को नहीं पहचाना जा सकता, या फिर वहाँ का जो एजेंट है विंड या वाटर, अब विंड या वाटर को आकर्षित तो किया नहीं जा सकता, आकर्षित तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किया जा सकता है, इसीलिए उस केस में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो पेज 30 के फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने कई ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल दिए हैं जो कि पॉलिनेशन करा सकते हैं, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, कुछ बड़े जानवरों के भी नाम दिए हैं, जैसे कि प्राइमेट्स, आर्बोरियल रोडेंट्स। आर्बोरियल रोडेंट्स का मतलब क्या होता है, आर्बोरियल मतलब जो पेड़ पर रहे, है ना, और रोडेंट उन्हें कहते हैं जो कुतर कुतर के खाते हैं। पेड़ पे रहने वाला और कुतर के खाने वाला कौन है, गिलहरी है। ठीक है, तो आर्बोरियल रोडेंट का एग्जांपल ये है, और इवन रेप्टाइल्स, इन दो रेप्टाइल के भी एग्जांपल दिए, गेको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड। लेमूर एक टाइप का मंकी है जिसको प्राइमेट में लिखा है। ये सारे ऑर्गेनिज्म फ्रूजीवोरस होते हैं, फ्रूट ईटिंग होते हैं, तो फ्लावर्स के पास जब आते हैं तो फ्लावर्स को भी खाते हैं, है ना, लेमूर, तो वो क्या करते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट में आने के कारण पॉमग्रेन उनके बॉडी पर चिपक जाते हैं, दोबारा जब जाते हैं दूसरे फ्लावर के पास तो वहाँ वो पॉमग्रेन को ट्रांसफर कर देते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो पेज 30 पर लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में लास्ट वाले पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन देखो, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग स्पेस सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, एग्जाम्पल इज एमोर्फोफेलस एक ऐसी स्पीशीज है जिसका जो फ्लावर है वो लगभग 6 फुट हाइट का होता है, तो उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म आकर अपने अंडे दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, मतलब बर्ड को क्या हो गया या इंसेक्ट को क्या हो गया कि उसके अंदर आकर अंडे दे सकता है। प्लांट को ये फायदा होता है कि जब वो इंसेक्ट या बर्ड उस फ्लावर के अंदर एंटर कर रहा होता है तो पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं और फिर वो पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने मोथ और यक्का का दिया है। मोथ एक इंसेक्ट का नाम है और यक्का एक ऐसे फ्लावर का नाम है जिसको ऑर्किड कहते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके एग की जो लिंग होती है वो इसके फ्लावर के अंदर होती है, और इसका जो फ्लावर है इस प्लांट का, इसकी पॉलिनेशन इसके द्वारा होती है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट है। इसकी लाइफ साइकिल इसके बिना पूरी नहीं होगी, इसकी लाइफ साइकिल इसके बिना पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसका पॉलिनेशन इसके अलावा और कोई नहीं कराता, इसको अपने एग ले करने के लिए इसके अलावा और कोई जगह नहीं होती। ठीक है, तो बाद में जब मोथ के लार्वा निकलते हैं वो इसके सीड्स को फ्रूट के अंदर ही होते हैं, तो इसके सीड्स को खाते हुए बड़े होते हैं, तो इस तरह से उनका न्यूट्रिशन भी हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है, एक तरह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर दोनों का इवोल्यूशन एक ही डायरेक्शन में होता है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे, पेज 31। पेज 31 पर यहाँ पर पहले पैराग्राफ में जो इटैलिक्स में लिखा है ये एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में तुमको अलग अलग तरह के फ्लावर्स ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। इसमें इन्होंने एक नई बात बताई, एक ये बात बताई है कि जो सीजन होता है या पॉलिनेटर होता है उसका
उसका प्लांट के साथ एक विशेष संबंध होता है, यानी कि जिस समय किसी प्लांट में फ्लावरिंग होती है उसी समय वो पॉलिनेटर एक्टिवेट होता है, यानी कि जिस समय फूल खिलेंगे उसी समय तितलियाँ एक्टिवेट होती हैं, इस तरह से। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है पॉलन नेक्टर रॉबर्स, पॉलन नेक्टर रॉबर्स। पॉलन और नेक्टर तो तुम समझते हो क्या होता है, रॉबर का मतलब होता है लूटने वाले, तो ऐसे भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो सिर्फ पॉलन या नेक्टर को लेके जाते हैं और बदले में पॉलिनेशन नहीं करते हैं, है ना, ऐसे स्मार्ट भी होते हैं, तो उनको पॉलन या नेक्टर रॉबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ें। आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना है कि इनब्रीडिंग क्या होता है। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि अगर किसी प्लांट में लगातार ऑटोगैमी होती चली जाए, यानी कि इसका स्टिग्मा और ये है इसके एंथर, यहाँ से पॉलन रेट लगातार इसके ऊपर आते रहे कई जनरेशन तक, यानी कि कई जनरेशन तक अगर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होती रहे तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो नहीं हो रही, उसके अंदर कोई भी नया कैरेक्टर या हाइब्रिड कैरेक्टर तो डेवलप नहीं हो रहा, अपने जीन्स ही उसमें क्या हो रहे हैं, एस्टेब्लिश यानी कि स्टेबल हो रहे हैं, तो लगातार इनब्रीडिंग की वजह से अपने आपके साथ ही ब्रीडिंग की वजह से बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो रहा है ऐसा, है ना, इस वजह से क्या होता है कि हाइब्रिड कैरेक्टर जो होता है उनके अंदर कुछ विशेष कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए, इन लॉस को बचाने के लिए क्या किया जाता है, प्लांट्स ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए हैं कि मेरे अंदर तो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, भले ही मेरे पास स्टेमिन भी है भले ही मेरे पास पिस्टिल भी है, यानी बाइसेक्सुअल होते हुए भी मेरा क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ऐसे जो मैकेनिज्म प्लांट्स ने डेवलप किए हैं उन सारे मैकेनिज्म और डिवाइसेस को कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब एक एक करके देखना कि ये आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं। सबसे पहला जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसका नाम देखो फिफ्थ लाइन में देखो, इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, तो पहला जो पॉइंट है वो है नॉन सिंक्रोनाइजेशन। नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज ये फ्लावर है और फ्लावर में ये है इसके स्टैमेन और ये एंथर और ये पिस्टिल, अगर ये एंथर अलग टाइम पे मैच्योर होता है और ये पिस्टिल अलग टाइम पे मैच्योर होती है तो दोनों के पॉलन रेज कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, एक ही फ्लावर पर होते हुए भी, इसको कहते हैं नॉन सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। अब आती है दूसरी बात आती है डिफरेंट पोजिशन, डिफरेंट पोजिशन का मतलब है कि अगर एक फ्लावर कुछ इस तरह का है कि उसके स्टैमेन तो काफी नीचे हैं और उसका पिस्टिल जो है वो काफी ऊपर है, और विंड करंट से ग्रेविटी के कारण पॉलन ग्रेन सीधे या नीचे तो जा सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन पर होने की वजह से इनका भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा भले ही दोनों एक ही समय पर मैच्योर हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तीसरा पॉइंट है सेल्फ इनकंपेटिबिलिटी। सेल्फ इनकंपेटिबिलिटी का मतलब है कि दोनों एक ही समय पर मैच्योर हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे से मिल भी जा रहे हैं लेकिन पॉलन रेज स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद भी जर्मिनेट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उसको दूसरे प्लांट का यानी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन ही चाहिए, अपने पॉलन ग्रेन से वो फर्टिलाइज नहीं हो,
इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये जेनेटिक डिफरेंसेस के कारण होती है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मैकेनिज्म्स हैं प्लांट्स के अंदर डेवलप होने वाले, इनको हम आउटब्रीडिंग डिवाइस कह देंगे। इसके बाद लास्ट वाला जो कैरेक्टर है उसका नाम है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या होता है? सपोज ये एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। ठीक है, इस प्लांट को हम क्या कहेंगे? इस प्लांट को हम कहेंगे कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि ये मोनोशियस है। जबकि मोनोशियस का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल। ठीक है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। मेल फ्लावर उसको कहते हैं जिसमें स्टेमेन होते हैं, वो अलग है। फीमेल फ्लावर जिसके अंदर पिस्टिल है, वो अलग है। अभी तक हम ऐसे फ्लावर की बात कर रहे थे जिसमें स्टेमेन और पिस्टिल एक में ही होता है। अब वो क्या है, एक ही प्लांट में तो है लेकिन अलग अलग पोजिशंस में है। तो इसमें भी क्या है कि अपनी क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ज़्यादा है, सेल्फ पॉलिनेशन का यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसे ऑटोगेमी कहते हैं उसका चांस कम है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पोजिशन पर है। इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और कुछ प्लांट्स में ऐसा भी हो सकता है कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर ना होकर अलग अलग पर हो। ठीक है, मेल अलग पर और फीमेल अलग पर। ठीक है, इस केस में भी हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसके एग्जांपल देखो क्या दिए हैं तुम्हारी बुक में, पेज 31 पर नीचे से 6th लाइन। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। तो ये तो एग्जांपल हुआ कैस्टर एंड मेज का। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल हुआ पपाया का, जिसमें कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर मौजूद होते हैं। इन दोनों ही केस में क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि ऑटोगेमी नहीं होती। तो ये जो थे ये आज के टॉपिक थे, कल हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। एक इम्पॉर्टेंट बात आज की वीडियो को खत्म करने से पहले कि ये जो वीडियोस हैं ये मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, इसीलिए सबको सारी वीडियोस देखनी है और प्लीज़ एंड तक देखनी है और दूसरों को भी कहना है।